जोहार, मैं महिमा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ प्रभातखबर.com के वीडियो सेक्शन में। झारखंड में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो चुका है और झारखंड के मुख्यमंत्री जो चंपाई सोरेन थे वह अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस पर झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, झारखंड की जनता इसे लेकर क्या सोचती है, आइए चाय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं झारखंड की जनता से। कल जो झारखंड में सत्ता परिवर्तन फिर से हुआ है, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे पता है आपको? तो हेमंत सोरेन हो वही जाएंगे। अब जितना जल्दी उनका शपथ ग्रहण हो बस हो गए फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना। हाँ अच्छा, जो पिछले पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए चंपाई सोरेन, हाँ। उनको जानते हैं? हाँ। उनका कार्यकाल कैसा लगा? देखिए वो अनुभवी नेता है, चंपाई सोरेन जो है हेमंत सोरेन से बहुत अनुभवी है। कोई आदमी बड़ा बाप का बेटा अगर है वही उसे ही अनुभव मिल जाए इसको हम नहीं मानते, उसको नहीं मानते ना। अगर ये नहीं भी बनते तो इनका जहाँ जहाँ अपना है अगर ये प्रचार करते तो इनको कुछ विशेष फायदा होता बनिस्पत की ये जो यहाँ पर जो तो मुख्यमंत्री के रूप में जाएंगे, मेरा जैसा विचार है। अच्छा अभी जो हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनसे कुछ उम्मीद है आपको? देखिए जब इतना दिन में 5 बार बन गए अगर उसमें कुछ हम उम्मीद नहीं कर सके तो ये 4 महीना में क्या उम्मीद कीजिएगा। चंपाई सोरेन का कार्यकाल आपको कैसा लगा? अच्छा ही रहा, कोई गलत अच्छा नहीं ना, बहुत अच्छा रहा। और हेमंत सोरेन से अब क्या उम्मीद है आगे? हेमंत सोरेन जी क्या करेंगे, जो चल रहा है वही चल रहा है, लोग तो ठीक से काम है ना, जहाँ तहाँ काम तत्पर ले, कहाँ पूरा काम हुआ है। चंपाई सोरेन को हटा के अब मुख्यमंत्री अगले हेमंत सोरेन होंगे तो उसे क्या जनता में कोई बदलाव होगा, कोई असर पड़ेगा इससे? ना परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा लेकिन वही अभी फिलहाल चंपाई जी रहते तो बढ़िया रहता। बढ़िया कैसे रहता? 3-4 महीना बचा ला, अगला बार कुछ इलेक्शन होते तो हेमंत सोरेन जी बैठते। अब विधानसभा चुनाव में मतलब इससे कोई असर पड़ेगा सत्ता परिवर्तन से? कुछ तो असर आएगा। चंपाई सोरेन का कार्यकाल अच्छा था कि हेमंत सोरेन से ज़्यादा उम्मीद है? नहीं अभी तो के विषय में तो मान लीजिए 6 महीना आया तो सर्विस का माहौल देखे हैं तो भाई आखिर क्या। अच्छा चंपाई सोरेन का 5 महीने का कार्यकाल में क्या क्या अच्छा लगा आपको? क्या काज करना लगा कि टीचर आर वाला में जो वैकेंसी निकला उससे तो हम हैं कि हमारे परिवार में 2-4 उससे संतुष्ट है। हाँ उससे तो है, 2-4 परिवार में निकला तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही सरकार अगर रहे हैं तो हम नहीं सर्विस में रहें, हमारे परिवार सब रहें, आप लोग रहें और सब रहें तो अच्छा इससे है, इससे माहौल बढ़िया रहता है। अच्छा हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो उनसे अब क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है, जो बनेंगे तो ठीक ही बनेंगे, खराब तो नहीं है बनेंगे, हैं उनको खराब कैसे कह सकते हैं भाई। अच्छा ये जो कल सत्ता परिवर्तन हुआ है झारखंड में तो इससे जेएमएम को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो समय बता सकता है। जानकारी तो है, देखिए बालू वालू बंद है, काम धाम नहीं चल रहा है, पूरा लेबर कुल्ली सब बैठ जा रहा है इसे बालू के चलते। अच्छा चंपाई सोरेन का 5 महीने का कार्यकाल आपको कैसा लगा? अभी तक तो ठीक ही है। ठीक ही था। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए। अच्छा तो आप पता है अगले मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं झारखंड के? आपको सुन तो रहे फिर से हेमंत सोरेन बनेंगे सर। हाँ कन्फर्म नहीं है आप? कन्फर्म नहीं है। अच्छा फिर से वही बनेंगे तो हेमंत सोरेन से फिर अब आपको क्या उम्मीद है? क्या पहले भी कुछ काम ऐसा तो किए नहीं है हेमंत सोरेन, क्या किए, कुछ ऐसा काम नहीं किए, कुछ काम नहीं किए ना। तो अगर मतलब फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो इस बार कोई उम्मीद होगा ना कि हाँ इस बार बनेंगे तो ये करेंगे? ना क्या करेंगे, अभी तक तो किए नहीं कुछ, तो ऐसे ही रहेगा और क्या रहेगा। अच्छा चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन में क्या आपको फर्क लगा? ऐसा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बालू वालू चालू होता तो काम धंधा होता, सबका रोजी रोजगार चलता, लेबर को लेकर सबका। ये जो हमेशा सत्ता परिवर्तन झारखंड में होता है हो रहा है तो इससे झारखंड की राजनीति में या जनता में क्या असर पड़ रहा है? हमको तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा है राजनीति। अच्छा ये बताइए कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले झारखंड के, पता है आपको? हाँ। उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही कहेंगे कि जनता को जो भी समस्या है उसको सॉल्व करे
और जनता के क्या उम्मीद है, क्या उन लोग से कोई रुपया पैसा मांग रहा है या खाना मांग रहा है। जो सही कार्यक्रम है, जो सही कार्य कागज पत्र है, उसको देख करके उस समस्या को निदान करें। क्या क्या समस्या है वहाँ पर जाने के बाद में है, से उनका बॉडी गार्ड लोग आकर जो उनसे मिलने नहीं देता है। जब जनता से नहीं मिलेंगे तो रह करके क्या करेंगे। जनता है हमारे प्रतिनिधि है, हम उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो गुंडा लोग हैं मिलने नहीं देते हैं मुख्यमंत्री से। तो सेफ्टी का ही बात होता है ना, इसीलिए। अच्छा बताइए, क्या क्या काम चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अब आप लोग? मुख्यमंत्री से हम लोग यही सोचते हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको कागज पत्र सर्टिफिकेट देख करके नौकरी में बहाली किया जाए। ये झारखंड में कल सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो उसे झारखंड के युवा कैसे देखते हैं? मतलब अभी जो पिछला जो सरकार, मतलब पिछला जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, अभी वो जो वैकेंसीज था उसको गति देने का काम शुरुआत किए थे और फिर से परिवर्तन हो गया। तो नया जब अभी माननीय हेमंत सोरेन जब बनेंगे मुख्यमंत्री, तो उस बीच में जो भी समय है वो किल करेगा स्टूडेंट के लिए, वो अच्छी तो हम मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। चंपाई सोरेन का कार्यकाल आपको कैसा लगा 5 महीने का? 5 महीने में उनको ज़्यादा समय तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हाँ ठीक बोल सकते हैं। अच्छा, युवाओं के नाते अगर अभी जो ये फैसला हुआ है सत्ता परिवर्तन का, तो इससे जेबी में क्या, मतलब अच्छा नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव आएगा इससे? झारखंड की राजनीति में तो हमको वैसा कुछ नहीं लग रहा है, ये तो सिर्फ अपना लिए कर रहा है, कभी हेमंत सोरेन कभी चंपई सोरेन, उससे दिक्कत युवाओं को हो रहा है। जो भी वैकेंसी आने वाला था उसमें फिर विराम लग जाएगा कुछ दिन के लिए, समय किल होगा, फिर 2 से 3 महीने बाद चुनाव है, तो उससे तो समस्या स्टूडेंट को है। तो इसमें हेमंत सोरेन के आने से उनसे क्या उम्मीद करेंगे युवा होने के नाते आप, कि वो क्या कैसे काम करें? हेमंत सोरेन से क्या उम्मीद करना, तो पहले भी थे तो 5 महीने के लिए नहीं देना, अब फिर क्या, जो पहले जो उनका चल रहा था फिर वैसे ही चले। हम तो सोच रहे हैं कि जो विद्यार्थी लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको नौकरी मिले, और जो है कार्य जो बालू पर जो रोक है, जो गरीब लोग जो है अभी त्राही त्राही मच रहे हैं, उनको जो हल किया जाए, और जो है पढ़ाई लिखाई पे जो GST का टैक्स लगा हुआ है किताब कॉपी पे, उसको कम से कम ध्यान देते हुए उसको कुछ कम किया जाए, क्योंकि उससे पढ़ाई पर जो है बहुत सारा असर पड़ रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, गरीब आदमी माँ बाप जो है बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ गए हैं किताब कॉपी पे कि बच्चा लोग जो है पढ़ाई पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। अच्छा, सत्ता परिवर्तन से झारखंड में नुकसान झारखंड को होगा या फ़ायदा होगा, कैसे देखते हैं? ये तो आने वाला कल ही बताएगा ना। अभी चंपाई सोरेन का कार्यकाल कैसा लगा आपको, कैसा रहा 5 महीने का कार्यकाल? ठीक, उनका भी ठीक था। ठीक था जी। और हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, पता है ना आपको? जी। तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो हम बता रहे हैं कि जरा जो पढ़े लिखे आदमी है 1932 का डोमिसाइल का जो है वो सब ना करे, और जो गरीब आदमी है, जो भी आदमी यहाँ पर रह रहे हैं, उनको सबको एक नज़र से देखें, और सभी को जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दें, रोजगार दें, यही सब। तो हमने बातचीत की रांची की जनता से, और झारखंड में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसे लेकर रांची की जनता क्या सोचती है, उनके क्या विचार है, चंपाई सोरेन का कार्यकाल उन्हें कैसा लगा, साथ ही युवाओं की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, इन सब पर आज हमने चाय पर चर्चा की। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।